मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल इंटरजेट पर। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटरजेट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक प्यारा सा लॉन्ग लेंथ का ये टीवी रीड है हमारा। तो टीवी रीड ये जो है हमारा साइज का, ये बहुत ही बिग साइज का हमारा ये वर्ल्ड वाला, आप लोगों ने जो देखा होगा कि हमारा बहुत बड़ा बड़ा टीवी यूनिट होता है। जब हमारा ब्रॉड टीवी और यूनिट होता है तभी वो हाइट में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हाइट अगर हमारा कम है जो कि स्टैंडर्ड साइज है 7 फीट का ये हमारा हाइट है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने जो इसको लंबाई किया है ये लंबाई अराउंड मेरा ये 9.5 फीट का है, 9.5 फीट से 10 फीट का ये हमारा साइज का है टीवी यूनिट। तो अभी मैं इसका पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है और क्या मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डिटेल्स वीडियो में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं साइज की बात करूं ये टीवी यूनिट की, तो अगर आप यहां से लेकर अगर आप वहां तक देखेंगे तो ये हमारा अराउंड 9.5 फीट का ये टीवी यूनिट है। और हमने यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों ने जो ये टीवी यूनिट को कभी भी कोई भी टीवी यूनिट अगर आप करते हैं तो उसको आपको फ्लोटिंग कर रहे हैं, मतलब जमीन से आपको 4 इंच 3 इंच 2 इंच का मिनिमम 4 इंच का गैप आपको जमीन से देना है। क्योंकि कभी भी अगर आप यहाँ पे फ्लोर में करते हैं तो क्या है कि आपको जो हम लोग पोछा वगैरह या फिर झाड़ू मारने में आपको दिक्कत होता है, तभी क्या होता है कि नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है वो लोअर पार्ट में आपका दाग वगैरह लगने लगता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा फ्लोटिंग टीवी यूनिट करने की कोशिश करें आप। और अगर आप फ्लोटिंग नहीं करते हैं तो जो हमारा स्टील का पाया होता है वो पाया को आप चारों सामने में 1 2 3 4 करके भी आप लगा सकते हैं। और ये जो डीप आप देख रहे हैं हमारा, ये अगर आप सामने से आएंगे तो सामने से अगर आप आके देखेंगे तो ये जो हम लोग कैबिनेट डीप करते हैं ये डीप हमारा अराउंड 14 इंच का डीप हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। 14 इंच का डीप करने के बाद ये जो टीवी यूनिट की हाइट है ये हमने आपका 10 इंच का हम लोगों ने किया हुआ है। और ये जो थिकनेस जो आप देख रहे हैं ये 1.5 इंच का हम लोगों ने इसको मोटापा किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे हम लोगों ने ये एक साइज में हम लोगों ने लेंथ को इसको डिवाइड किया है, जैसे कि यहाँ पे ड्रायर आप देखेंगे तो इस साइज में हम लोगों ने 2 ड्रायर से दिया है और इस साइज में हम लोगों ने 2 ड्रायर से दिया है। पहले आपको अपना रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, अपने टीवी का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको लेआउट डिजाइन करना पड़ता है। क्योंकि हमारा इतना बड़ा टीवी यूनिट है, कल दिन अगर हम लोग घर में एक यहाँ पे अगर डीवीआर लगा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे सेटअप बॉक्स लगा रहे हैं, कल दिन अगर हम लोग को यहाँ पे और भी राउटर वगैरह रखना है, तो ये जो 2 ड्रायर का जो लेंथ होना चाहिए वो हम लोगों ने इसका लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक प्रोफाइल पल्ला हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, जो कांच का प्रोफाइल पल्ला होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसकी वजह से ये आप जो चौड़ाई देख रहे होंगे ये थोड़ा आपको ज्यादा मिल रहा होगा, और ये 2 ड्रायर हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं अगर मैं यहाँ भी बात, अगर आप ये सब सामने में ये लोअर्स आप देखेंगे तो ये लोअर्स आप जो भी देख रहे हैं ये लोअर्स हम लोगों का सारा कस्टमाइज है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सनमाइका से मैच करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने 2 इंच का 2 इंच का पट्टा बनाया हुआ है, जो कि हम लोगों ने 100% इसको कस्टमाइज प्लाई से किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आके सामने में देखेंगे तो ये जो हम लोग पट्टा का थिकनेस है ये 19mm का हम लोगों ने यहाँ पे 19mm का इसका थिकनेस किया है, इसमें हम लोगों ने लेमिनेट पेस्टिंग पूरा आपका किया हुआ है, ये 19mm का थिकनेस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पैनल अगर आप देखेंगे तो ये पैनल हम लोगों ने इसको ओवरलैप किया हुआ है, ओवरलैप करने पर इसमें क्या है कि हम लोगों ने टीवी रीड किया है। अब कभी कभी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि आप लोगों का जो वायर होता है केबल होता है वो आपको कभी कभी सामने से आ जाता है, ये चीज आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोगों ने इसको ओवरलैप किया है। और ये अंदर से इसके अंदर से हम लोगों ने यहाँ पे जगह दिया है, और अंदर से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बॉक्स किया, अगर आप नजदीक से आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये वायर ऊपर से जो वायर है वो ऊपर से वायर डायरेक्ट यहाँ पे नीचे में आपको वायर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इसका फिनिश मेटेरियल फिनिश, इसमें मेटेरियल फिनिश हम लोगों ने मार्बल फिनिश का यहाँ पे लेमिनेट यूज किया है, जो कि पीवीसी लेमिनेट है, जो कि आप ऐसा भैंस इसमें हम लोगों ने ज्वाइंट भी किया लेकिन आपको ज्वाइंट पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो मेटेरियल का टी पट्टी आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने डिवाइडेड किया है, मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं टी पट्टी का इसको हम लोगों ने इक्वल 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 करके इसमें हम लोगों ने टी पट्टी दिया है, ताकि कहीं से भी ये ना लगे कि मतलब आपका थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे साइड में हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारा मेन डोर है तो ये ओपनिंग एरिया है, इधर हम लोग इसको ओपन रखे हैं, और ये साइड में हम लोगों ने कॉलम कैबिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कॉलम कैबिनेट हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने लीज वगैरह दिया है जो कि आप कुछ भी एंटी फीस वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं आप यहाँ पे लाइट आपको करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट का प्रोविजन दिया है यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे अंदर में टीवी के पैनल लाइट में हम लोगों ने यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, और इस जगह में हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट सभी नीचे में हम लोगों ने दिया हुआ है। ओके, और ऊपर में भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट दिया है,
तो इसका पूरा फिनिशिंग होने के बाद इसका और एक बार मैं आपको फोटो इंस्टाग्राम में दिखाऊंगा या फिर यूट्यूब में दिखाऊंगा। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं और यूट्यूब में भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको दोनों जगह में बोलूंगा कि आप वहां पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए और हो सके तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज कहते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर में रहिएगा सुरक्षित रहिएगा।